नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक फार्मासिस्ट है, एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फिर खोले हैं, या फिर जो लोग सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कई बार ऐसा मौका आता है जब पेशेंट आपके पास खुद पहुंचते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और आपको अकॉर्डिंगली दवा देनी होती है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई पेशेंट पहुंचता है और वो शिकायत करता है कि उसके सीने में जलन हो रही है और कच्ची डकारें आ रही हैं, पेट फूला फूला सा है, तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना है। देखिए, सीने में जलन या सीने में दर्द एक ऐसी समस्या है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, क्योंकि ये हार्ट की समस्या भी हो सकती है। तो आपको ऐसे स्थिति में कुछ सवाल हैं जो आपसे पूछने हैं। अगर वो हार्ट की समस्या है तो आपको अपने मन से हीरो नहीं बनना है, सीधे उसको किसी सरकारी अस्पताल या फिर अच्छे अस्पताल में उनको भेज देना है। आप पूछेंगे क्या, आप पूछेंगे कि क्या आपको जो दर्द हो रहा है वो बाएं साइड में हो रहा है या दाएं साइड में हो रहा है। अगर दर्द दाएं साइड में हो रहा है तो मतलब क्लियर है कि वो जो है समस्या हाइपर एसिडिटी हो सकती है। अगर दर्द दाएं साइड में हो रहा है, इस जगह पर हो रहा है, तो आपको थोड़ा बहुत चिंता हो सकती है। इसके अलावा पूछेंगे कि क्या आपके बाएं शोल्डर में दर्द हो रहा है, क्या बाएं शोल्डर से लेकर के यहाँ हाथ में एक जो है कोई दर्द सा हो रहा है, क्या मीठा मीठा दर्द हो रहा है स्टार्टिंग में, और ये दर्द होते होते आपके जॉ तक पहुंचता है क्या, ये आपका जो जॉ वाला एरिया है यहाँ पर भी अगर पहुंचता है तो आप को थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हार्ट की समस्या हो सकती है। इसके अलावा क्या आपको घबराहट बेचैनी हो रही है, क्या आपको एक्सेसिव पसीना हो रहा है, मतलब ज्यादा पसीना हो रहा है, या फिर सांस लेने में समस्या हो रही है, सांस फूल रहा है। अगर ऐसे सिम्टम्स पेशेंट बताते हैं तो आपको ये पेशेंट को सीधे भेजना है अस्पताल में एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये हार्ट की समस्या हो सकती है। आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर्स के अलावा वो कुछ जांच होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, वो डॉक्टर्स करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, एज अ फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं आप, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, अगर ये हार्ट का केस नहीं है तो ये एसिडिक केस होता है, मतलब हाइपर एसिडिक केस होता है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि आप कोई भी एक पीपीआई उठा कर दे सकते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, जैसे कि रेबिप्राजोल, जैसे कि पेंटाप्राजोल, और अगर उसमें डोमपेडोन ऐड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल से कोई भी दे देंगे, ओरली काम चल जाएगा। इसके अलावा आप करना क्या, आपको एक ओरल एंटासिड लेना है। ओरल एंटासिड में क्या होता है, और वो भी ऐसा एंटासिड जिसमें ऑक्सीटाकेन मिला हो। ऑक्सीटाकेन एक प्रकार का लोकल एनेस्थेटिक होता है। इसका काम क्या होता है, ये जिस एरिया में जाएगा उस एरिया को सुन्न कर देगा। अब एसिड के प्रभाव की वजह से हमारा आइसोफेगस जल सा गया था, तो जब आप इसको ओरली पियेंगे तो क्या करेगा, ये उस एरिया को एकदम से सुन्न कर देगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट को जो गले में जलन की शिकायत हो रही थी, सीने में दर्द की शिकायत हो रही थी, वो नहीं होगा और पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ फील होगा। तो एंटासिड का इस्तेमाल करें जिसमें ऑक्सीटाकेन मिला होगा। इसमें अमूमन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साइमेथिकोन होता है, लेकिन अगर ऑक्सीटाकेन रहेगा तो ऐसे पेशेंट जिनको गले में जलन की समस्या थी उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो बस आपको सिर्फ ये ट्रीटमेंट करना है, 5 ml एंटासिड देना जिसमें कि ऑक्सीटाकेन हो, और एक पीपीआई जो ओरली जो कि आपने आपको बताया, ओमेप्राजोल, रेप्राजोल या फिर इसोमेप्राजोल या फिर पेंटाप्राजोल, जो भी आपके पास वो दे सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को लगभग लगभग आधे घंटे के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं, वो भी किसी डॉक्टर के सुपरविजन में करना है, आपको किसी डॉक्टर से बात करना है, क्योंकि आप कभी भी दवा देने के लिए ऑथराइज नहीं है। फार्मासिस्ट हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में ही कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अभी तक इस वीडियो में बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।